नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिशोर उपाध्याय। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से जिहादियों की फौज पनप रही है, इसको लेकर लगातार एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे देश को हैरत में डाल दिया है। जी हाँ, आतंकवाद पर आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेताया गया है कि भारतीय राज्य केरल और कर्नाटक में अच्छी खासी संख्या में खूंखार वैश्विक आतंकी संगठन ISIS के आतंकवादी मौजूद हैं। साथ ही खुलासा किया गया है कि ISIL की भारतीय यूनिट हिंदू बिलाह के भी कम से कम 180 से लेकर 200 तक आतंकी सक्रिय हैं। बता दें कि इस आतंकी संगठन के गठन की घोषणा मई 2019 में हुई थी। ISIS सहित अन्य आतंकी संगठनों पर नजर रखने के लिए गठित की गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंधों की निगरानी टीम की 26वीं रिपोर्ट के मुताबिक केरल और कर्नाटक में ISIS के कई आतंकी सक्रिय हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में चेताया गया है कि अलकायदा की भारतीय उपमहाद्वीपीय यूनिट AQIS भी इस क्षेत्र में हमले की साजिश रच रहा है। यह संगठन तालिबान के बैनर तले सक्रिय है। इसके सरगना निमरूज, हेलमंद और कंधार प्रांतों से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में इस आतंकी संगठन के 150 से 200 आतंकी सक्रिय हैं। ये संगठन अपने पूर्व सरगना की मौत का बदला लेना चाहता है। फिलहाल उसामा महमूद AQIS का सबसे बड़ा सरगना है। इससे पहले असीम उमर था जिसे मार गिराया गया, उसकी मौत का बदला लेने को ये आतंकी संगठन बेचैन है। पिछले साल 2019 में ISIS ने अपने अमाक न्यूज एजेंसी के माध्यम से दावा किया था कि उसने भारत में एक नया प्रांत बनाया है जिस पर उसका कब्जा है। उसने जम्मू कश्मीर के भीतर के ही एक क्षेत्र को वालिया ए हिंद या हिंद प्रांत नाम दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद यह दावा किया गया था, हालांकि अपने आप में इस किस्म का पहला दावा था। सुरक्षा वालों ने इसे नकार दिया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर में सक्रिय ISIS आतंकियों में से कईयों के नाम खोरासान प्रांत में सक्रिय आतंकी संगठन के ब्रांच से जुड़ा था। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों को कवर किया जा सके। हालांकि भारत में भी केरल और कर्नाटक में सक्रिय ISIS आतंकियों के बारे में तब पता चला था जब NIA ने स्पेशल सब इंस्पेक्टर बिल्सन की हत्या मामले में फाइल की गई चार्जशीट में इसका खुलासा किया था। इसमें बताया गया था कि केरल और कर्नाटक में न सिर्फ ISIS के आतंकी सक्रिय हैं, बल्कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। तमिलनाडु पुलिस ने ISIS के आतंकियों मोहम्मद हनीफ खान, इमरान खान और मोहम्मद जैद को जनवरी 2020 में मार गिराया था। इसके जवाब में खुद को जिहादी कहने वाले आतंकियों ने विल्सन की हत्या कर दी थी। इस मामले में ISIS के आतंकी ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम सामने आया था। जांच में पता चला था कि उसने ही मई 2019 में अब्दुल शमीम और मोहम्मद तौफिक को आतंक की तालीम दी थी। उसने इन दोनों को हथियार मुहैया कराया था, साथ ही हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अफगानिस्तान और इराक सहित अन्य देशों में ISIS ने केरल के आतंकियों को लगाया हुआ है। सबसे ज्यादा कन्नूर के युवक इस आतंकी संगठन में शामिल हुए हैं। पिछले सप्ताह के आंकड़ों के मुताबिक केरल के कुल 98 लोगों ने ISIS की सदस्यता ली थी। इनमें से 38 मारे जा चुके हैं, जबकि 60 आतंकी अब भी सक्रिय हैं। जून 2019 तक कन्नूर की 8 महिलाओं के आतंकी संगठन में शामिल होने की खबर आई थी। कन्नूर के अलावा कासरगोड, मलपुरम, कोझिकोड, एर्नाकुलम और थ्रिसूर के कई लोगों ने भागकर आतंकी संगठन ज्वाइन किया था। ये सभी मिडिल ईस्ट में जाकर जिहाद कर रहे हैं। इन सभी को वहां अलग इलाकों में तैनात किया गया है। कहा गया है कि वैश्विक आतंकी संगठन वहां के मुस्लिम युवकों को निशाना बनाता है और उन्हें आतंक के लिए प्रशिक्षित करता है। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के हुगली की रहने वाली 25 साल की प्रज्ञा देवनाथ से आयशा जन्नत बनी आतंकी लड़की को बांग्लादेश पुलिस की काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम ब्रांच ने 17 जुलाई को गिरफ्तार किया था, जिसे जिहादियों ने जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश में भारतीय युवा लड़कियों को भर्ती करने की जिम्मेदारी दी थी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से देश के अंदर आतंकियों की खेती उगाई जा रही है, जिस पर गृह मंत्रालय को सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।